वो यहां से थोड़ी दूर है और ये देखो जो ये डॉगी है, मैं जब कुछ करने निकलता हूँ ना बाहर तो बस ये मेरे पीछे पड़ जाता है। हे गाइस, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सभी अच्छे से होंगे और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमें भी दुआ में याद किया करो। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही सीन होने वाला है व्लॉग में जैसा कि आप लोग ने थंबनेल और टाइटल से देखा। उससे पहले मैं जाने वाला हूं पहले बोर्ड पे, जो कि जवाहर नगर में है बोर्ड एजुकेशन, जो कि पहले था, ज्यादा मुझे नहीं पता क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरा मसला चल रहा है फॉर्म का, और एप्लीकेशन मैंने डाली थी और वो उन्होंने एक्सेप्ट किए। उन्होंने बोला कि आ जाओ, अब जो तुम्हारा मसला है वो देखेंगे और शायद एडमिशन होगा इस साल, तो वही जाके देखते हैं। उससे पहले नमाज पढ़ते हैं क्योंकि अभी टाइम आ चुका है 10 मिनट ऊपर एक और सवा एक नमाज है, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो चलिए जी गाइज निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो हाँ जी गाइज, नमाज मैंने पढ़ी और जैसा कि मैंने घर पे बोला था मुझे जवाहर नगर जाना है बोर्ड पे, तो अब वही जाते सीधा। हाँ जी, पहुंचा मैं बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर स्कूल, देख लीजिए अब देखते हैं अंदर क्या बोलते हैं। यहाँ से नहीं है कुछ भी, पीछे की साइड से जाना होता है, वो आप अभी देखोगे कहां से। देखो यार बोर्ड कहाँ रखा है इन लोगों ने। देख लो हालात, अरे वहां है पीछे, अगर मैं अब सारा दिखाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। देखते हैं क्या बोलते हैं और उसके बाद आपको भी बोलते हैं। तो हाँ जी गाइस, फाइनली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। मैम ने बोला कि आप कोई फॉर्म भरना है तुम्हें स्कूल में, वो उसी पे जो मेरा नाम वाम है वो नए से लिखना है, रजिस्टर करना है नए से, तो 10-20 दिन के बाद जो है वो एडमिशन हो जाएगा। तो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ, और घर के लिए थोड़ा सा सामान भी लाना है तो वो भी लाते हैं और देखते हैं क्या रहता है। हाँ जी गाइज, फाइनली मैं घर पहुंचा और जो सामान लाना था जो कि मैंने बोला था वो भी मैंने लाया, बस ज्यादा कुछ नहीं लाना था, गोश्त लाना था और तरबूजे वरबूजे घी कुछ। तो अभी बज चुके है 7:50, अभी है 10 मिनट इफ्तार में, तो तब तक वजू बनाते हैं और इफ्तार करते हैं और देखते हैं क्या कुछ रहता है। और देखिए मौसम भी बिल्कुल, मतलब उस साइड से देखिए और इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सब साइड देखिए, बिल्कुल मौसम कई दिनों से खराब चल रहा है। हाँ जी गाइस, इफ्तार तो मैंने किया और उसके बाद नमाज भी पढ़ी, और अभी टाइम आ चुका है, अभी पीते चाय। आधे लोग तो खाना खाते लेकिन मैं तो खाना नहीं खाता क्योंकि मुझे सर दर्द होता है दिन भर, और उस वजह से मैं पहले चाय ही पीता हूँ। तो पहले पीते हैं चाय, उसके बाद जाते हैं तरावी पढ़ने, और वापस आते ही खाना खाते और सो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले पीते पहले चाय। ओके, तो हाँ जी गाइज, चाय तो मैंने पी ली, अब जाते हैं नमाज पढ़ने और वापस आते ही खाते हैं खाना और आपको भी दिखाते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है तब तक। तो हाँ जी गाइज, चलते हैं नमाज पढ़ने और वापस आते हैं और देखते हैं क्या रहता है। और वो देखिए चांद भी बिल्कुल चमक रहा है और अभी आसमान भी जो है वो बिल्कुल साफ है, पिछले कई दिनों से ना मौसम बिल्कुल खराब है, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। तो चलते हैं नमाज पढ़ने, बस मैं यहीं पे रखूंगा क्योंकि जब फिर मस्जिद में ले जाते हैं फोन तो फिर आप लोगों को उस वजह से गुस्सा आ जाता है, ठीक है गाइस। मैं स्कूटी पे ही जाऊंगा क्योंकि मस्जिद जो है वो यहाँ से थोड़ी दूर है, और ये देखो जो ये डॉगी है, मैं जब कुछ करने निकलता हूँ ना बाहर तो बस ये मेरे पीछे पड़ जाता है।
और हाँ जी, अभी खाते खाना, और आज मम्मा ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, तो उसके बाद देखते क्या सीन रहता है। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज दूसरा दिन है ब्लॉग का। तो मैं बैठा था तो मम्मा ने बोला कि हमारे साथ आज आपको शॉपिंग करनी है मम्मा और बहन को, तो मैंने बोला चलिए चलते हैं। मैंने सोचा मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा वही से, और घर आते फिर ब्लॉग का एंड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं मामा और बहन के साथ, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि उनको लाना क्या है। तो चलिए आप भी देखेंगे और मैं भी देखता हूँ। तो हाँ जी गाइस, बिल्कुल मतलब बहन को जाना था बुर्का लाने, बिल्कुल अच्छी बात है, आज मेरा दिल खुश हुआ। बस मैंने ज्यादा ब्लॉग किया नहीं क्योंकि एक तो रोजा भी था और मैं बाहर ही था, क्योंकि जो अंदर बुरका वुरका मतलब बेचते हैं वो गर्ल्स ही थी, तो मैं अंदर नहीं गया, बाहर ही था और थोड़ा सा बाहर से दिखाया आप लोगों को। मुझे लगा फिर आप बोलते हो, मुझे पता है ना मतलब शॉपिंग नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही बोला, तो मैंने से थोड़ा सा दिखाया। और उसके बाद मैं घर आया, इफ्तारी की बिल्कुल कल की तरह, जैसा आपने वीडियो में देखा। अगर मैं आज फिर से वही दिखाता तो बोल, और मैंने सोचा चलो अब व्लॉग अपना एंड करते और उसके बाद जाते तरावी पढ़ने। तो बस आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले से वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय एंड अस्सलाम वालेकुम। और एक बात कहूंगा मैं आप लोगों को, जाते जाते बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो देखते हैं, उसके लिए थैंक यू, लेकिन ना लाइक करते और ना ही सब्सक्राइब करते, तो आज दोनों ही कर देना। और 3.4 के हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, मतलब 0 से 3.4 के हुए बहुत होता है, और इतने कम टाइम में। कुछ लोग तो 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कोई मेहनत नहीं करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन उनके अभी 1K भी नहीं हुआ है, तो मोनेटाइजेशन तो दूर की बात है। उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, मेरे हिसाब से ठीक चल रहा हूँ मैं, तो बस और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और 4K जल्दी से कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोग देखिए। बाकी बाय बाय।